नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। हम अमित प्रताप मिश्र। आज हम पहुंचल बाटी जनपद संत कबीर नगर के दनघटा तहसील क्षेत्र के हैसर विकास खंड के अंतर्गत कोचरी राजकीय पौधाशाला कोचरी संत कबीर नगर। आपके दिखावे खातिर इसे हम कहले बाटी कि यहाँ पे ऑडिट भइल बा, लिखल बा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण योजना। यहाँ पे आपके दिखाई पूरे 2020 और 21 में कितना काम भइल बा। यह सामग्री का दाम बा इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 3,72,482 रुपया सामग्री हम लगल बा और श्रम पर व्यय भइल बा इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख। ये हो गइल बा 7,41,049 रुपया का यहाँ मजदूरी भइल बा। और यहाँ लिखल बा सिर्जो मानव दिवस पर 3,600 रुपये का व्यय भइल बा। यहाँ पे हम जानकारी लेवे आयल बाटी की राजकीय पौधाशाला बा जो कि कोचरी में स्थित बा। यहाँ पे कितने कर्मचारी मजदूर बाटे और कितना पौधा, ये जो पर्यावरण दिवस बा, कितना पौधा व्यय भइल और कितना नर्सरी भइल, एक जानकारी लेवे खातिर हम पौधाशाला पे आयल बाटी। राम राम काका। राम राम काका। गांव में का बा हो? गांव में ठीक है ठाक बा, चलत बा। आज गांव में का बा टीम? गांव के रुक कैले बा, पहुंचल बा राजकीय पौधाशाला तक। और काका ई हम आपसे ई कहतनी कि आज तक कितना जो पर्यावरण दिवस में कितना पौधा वितरण भइल यहाँ से? अरे बहुत है भरोस, थोड़ बहुत होकर कुछ तो लिखल हुई। कितना पौधा वितरण भेल यहाँ से? अरे 10-15-20 पौधा भेल। उठान हुआ क्या? कुछ लिखित आप दिखाएंगे यहाँ से? कहाँ गया? हुई। अभी आप केवल मौखिक बता रहे हैं। और कितना नर्सरी भेल यहाँ पे आज तक पौधा के? पौधा की नर्सरी हम जानते हैं 1-15 लाख का होला हर साल उठान। अच्छा, शायद होता है लेकिन आप यहाँ पे है हर साल? किस पद पे आप यहाँ पे हैं? आप माली पद पे? माली पद पे बाड़ी। आप कहाँ गांव पड़ी आपका? कोचरी पड़ी। कोचरी। कितना तनख्वाह खा है आपका? 25,000। कितना दिन के बाद यहाँ आवत हैं आप? यहाँ का जो मेन जो देखभाल करते हैं वो कौन है, कहाँ है? अमरदेव यादव। अमरदेव यादव कहाँ के हैं और कहाँ है? खैलाबाद रहते हैं, वो खैलाबाद से आते हैं, कल आए थे। अच्छा, आते हैं उसके बाद गायब हो जाते हैं, हफ्ते हफ्ते भर दिखाई नहीं देते। कल आए थे। आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए राजकीय पौधाशाला केंद्र कोचरी बा, यहाँ पे जो मेन यहाँ के जो देखभाल करने वाले हैं, यहाँ नराद खोलीलाबाद रहते हैं और यहाँ बेचारे मालिक काका के भरोसे पूरा ही पौधा राजकीय पौधाशाला केंद्र सौंप के वो फरार बाटे। इनके कहीं पता ना चलल अभी तक। हम यहाँ से लेकर के गहरे तक गई है अंदर तक कि वहाँ के मजदूरन के हाल देख लिए है। यहाँ पे 2-4 मजदूर लगावल बाटा, वो भी मजदूरी पर 201 रुपया उनका तनख्वाह बा और 2 माली हमें मिल रहा। और एक कितने लोग यहाँ कार्यरत है? अरे मान लो 7-8 आदमी है। हाँ वो तो प्राइवेट है मजदूर। हाँ, इसमें कार्यरत कितने लोग हैं? कार्यरत जैसे मान लो सरकारी में 2 है। सरकारी में 2 है, 2 आदमी है। हाँ। किस किस पद पे है दोनों? सब माली पद पे। सब माली पद पे। और मेन किस पद पे है? वो तो इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर साहब यहाँ चेहरा नहीं दिखाते हैं। नहीं दिखाते, कल आए। कभी भी जब भी मैं आता हूँ इंस्पेक्टर साहब तो गायब रहना भैया, कभी नहीं। कल आप ही लोगों से मुलाकात हो ले हमें? हाँ ये तो बतिया वाले जो आते हैं वो चले जाते हैं सर। यहाँ इंस्पेक्टर साहब केवल चेहरा दिखावे आवल है, आज गायब बाटे। जब भी हमारे गाँव में टीम गांव का रुख कैला और यहाँ के लोगन की सच्चाई दिखौला तब तब इंस्पेक्टर साहब गायब रहल है। यहाँ मालिक काका लोगन से भेंट होला और यही हमारे चाची लोगन से भेंट होला कि जो बेचारी 200 रुपया पे यहाँ बेचारी घास हो छिले लेन और देख ली काकी 201 रुपया लिखलवा और यहाँ कैसी सबको जीवन यापन चला ला 200 रुपया में अपने घरे ले जाए तो 250 कहू और यहाँ 200 रुपया में बेचारी घास छिले लेन। आप देखिए जो भी संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश के कोनो कोने में इस तरह अगर भ्रष्टाचार चली और सरकार का पैसा पानी तरह अगर बहावल जाई तो ओकर विरोध करे खातिर गांव में का बा टीम जाई और प्रमुखता से खबर के दिखाई। राम राम भाई। राम राम। अरे गांव में का बा? ठीक बा। का करता था? ये कोने गांव का रहे वाला बड़ा? कोचरी।
कोचरी का करता था यहाँ पे, क्या कार्यरत है इस पौधशाला पे? काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं पौधे में। इस पे कार्यरत है आप? हाँ। कौन से पद पे है आप? ये प्राइवेट में है। तो प्राइवेट में क्या मजदूर प्राइवेट में होते ना? हाँ, मजदूर में। तो इसमें कार्यरत नहीं है, प्राइवेट में उसे मजदूरी करने आए। कितना रुपया मिलता है? 201 रुपया। 200 रुपये। कितने लोग इस पौधशाले में कार्यरत है, कितने मजदूर है इसमें? कितने लोग है? 7 लोग है। अच्छा, 7 लोग। 7 लोग। कितने लोग यहाँ उपस्थित है? सभी लोग है, खाली एक आदमी नहीं है, वो गए तनख्वाह ने। आप यहाँ पे हमारी बात हुई मजदूर जो प्राइवेट लोगों ने मजदूरी करता था, सरकार का जो मंशा बा, जो सरकारी यहाँ पे मजदूर लगावल बाटे, वो मजदूर यहाँ से नदारत बाटे और 200 रुपया पे यहाँ गरीबन के ले आके मजदूरी करावल जाता। वो साफ सफाई आप देख सकता निकेशन जंगल की तरह यहाँ पे सारी घास फूस लगल बा, और ये जो पौधा पौधा को जो रोपण किया गया है, ये जो पौधा बीज नर्सरी उगाई गई है, वह देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे हवा हवाई है। यहाँ पे एक लोग हैं, इनसे भी बात करता नहीं। राम राम काका। अरे गांव में कहा बा? यही पौधा वाला है सर। पौधा बा, लेकिन यहाँ पे कितने लोग कार्यरत है? ये राजकीय पौधाशाला केंद्र है जो कि पूरे तहसील में एक है। जी हाँ सर, हम भी कुछ आम रहते हैं। अच्छा, लेकिन 2-3 दिन घर से यहाँ बुलाया गया है या ये मतलब वितरण हो रहा है, पौधा जा रहा है। अच्छा, 2 दिन के लिए आपको बुलाया गया है। अच्छा अच्छा, कुशावा से आप आए। हाँ। अच्छा, तो इसमें 2 दिन के लिए आपको बुलाया गया है, तो क्या काम करते हैं आप यहाँ? सर सफाई देखिए कर रहे हैं। आज 2 दिन के लिए आप मात्र आए हैं। कुशावा, आप कोई पौधाशाला केंद्र पे रहते हैं क्या? वो बाग है, वहाँ रखवारी करते हैं। अच्छा, किसका बाग है, किसकी रखवाली करते हैं? उद्यान का है, वो पहले राजा का था। हाँ हाँ, अब उद्यान में आ गया है। जी जी हाँ, उसी बाग का रखवाली करते, 2 दिन के लिए आपके बुलाया गया। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद बाटे ही कहाँ घर? घोरहा कोचरी। नहीं, आप घर कहाँ बा? कोचरी। कोचरी कहाँ आप बाटे? हाँ, घोरहट में। घोरहट कुशावा में कार्यरत बाटे और 2 दिन के लिए मालिक के पद पे यहाँ बुलावल गए बाटे। इनका तनख्वाह बा 25,000 रुपया। वो बेचारे यहाँ 2 दिन के लिए कहा कि पौधा रोपण होता और मात्र ये पौधाशाला के जो बा राजकीय पौधाशाला केंद्र जो कोचरी में बा, एक लोग ही देख रहे हैं यहाँ पे। कितना लोग देख रहे हैं? अरे मात्र कज नहीं रहे ना, और उसी आज किराया पर 4-5 लोगों की बुला के यहाँ दिखावल जाता। हम पूरा हकीकत राजकीय पौधाशाला केंद्र के दिखाए, जहाँ सरकार का पैसा पानी की तरफ बहावल जाता। एक दिखावे खातिर अभी आगे चलब। मेन आदमी कौन है यहाँ? वहाँ हैं, अभी उनसे हम बात कराते हैं, उनके पास चलते हैं कि देखिए जहाँ सरकार की पानी यहाँ पैसों की तरह बहाया जा रहा है, 200 रुपए में यहाँ पे मजदूर को रख के 200 रुपए में साफ सफाई कराया जा रहा है। आज पूरा पौधाशाला जो राजकीय पौधाशाला है, यहाँ की पूरी हकीकत दिखाई कि यहाँ कितने लोग काम करते थे और राजकीय पौधाशाला के का हाल बनल बा। ऐसे हम आगे बढ़ता नहीं, यहाँ देखा आपके पूरे कैमरा मैन को दिखावा कितना और पौधाशाला के का हाल बा। सरकार की पानी जो फेरता है पैसा, सरकार पानी की तरह बढ़ता राजकीय पौधाशाला में पूरी तरह से इके हम दिखावे खातिर आज हमार मुहिम बा, गांव में का बा टीम आयल बा और पूरी तरह से लोगों के दिखाए कि राजकीय पौधाशाला का हाल कितना बेहाल बा। आप देख सकते हैं आम का पौधा है जो कि कितनी तरह से घास भूसों से कसा हुआ है, देख सकते हैं। यही सफाई इस राजकीय पौधाशाला में भइल बा। यहाँ पे कुछ लोग बातें, इनसे भी बात करब कि कहाँ यहाँ आयल बड़े। काकी राम राम। राम राम काकी। अरे गांव में कहाँ बा काकी? कहाँ आयल बड़ू यहाँ? हम आयल यहाँ पौधा निराई लमाऊ नर्सरी में। अच्छा, निरावे अलबड़ू। हाँ। केल पे मिला ला तुमके? केल पे बताएं बतावा आज जन बताओ को है। हां, अरे मिला ला पूरा मजदूरी। कितना के रुपया मजदूरी? मजदूरी तो 300 रुपया चला था, कितना मिला ला तुमके? ई काकी बातिन, ई गाइल बातिन घास आने कहीं हम एम निरावे आइल बा। नहीं, निराई ला नहीं हबे ना, हम बिहान आवत है निरावे। अच्छा, बिहान आवत हो, अब बिहान ही है निरावे यहां। यहां और लोग बात है, यहां देखी घास के या मोटरी तैयार के लिए बैठे यहाँ काका बैठे, इनसे भी हम जानकारी। काका राम राम। राम राम काका। ये राजकीय पौधाशाला केंद्र कोचरी है, एमन कोने काम कार्यरत बाटी, का करी ला आप?
हम ये कह रहे हमारे मन के लिए निरावे उरावे हम घास ले जाते हैं। अच्छा आप घास आने यहाँ आयल बाटी, आप आपका मलकिन यहाँ काम करे लीन और घास निरावे आप आयल बाटी, यहाँ घास लेके पशु के खियाई बे आप। अच्छा पशु के। अच्छा अरे राम राम काकी, अरे यहाँ पौधशाला में कहाँ आयल बाटू? अच्छा के पैसा मिलल काकी? के रुपया मिलल? जहाँ आम मजदूरन के तिहाड़ी 300 रुपया बा और यहाँ तू 200 में कैसे काम करता तू, यह तो हम सोच के उठू बाटी कि राजकीय पौधाशाला केंद्र बा और 200 रुपया में तू यहाँ काम करता, तू यहाँ कितना लोग बाटे काम करे यहाँ बाटे? ढेर मने बाटे यहाँ हमारे काका बाटे, नहु से हम जानकारी ले। काका राम राम। राम राम। काका कहाँ घर पड़ी? कोचरी। काका कोने पद पे यहाँ बटा? माली पद पे। माली पद पे कितना दिन से यहाँ बता? अरे यहाँ 25 साल हो गए। 25 साल से। कितना तनख्वाह बा काका? अबे तो नहीं बर्बाद 25 हजार। क्या करता था काका? ये कलम कर रहे हैं। अच्छा ये कलम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा 25 हजार तनख्वाह बा। कितना लोग आदे थे काका यहाँ पर? तीन आदमी। और कितने लोग वर्तमान में जो सरकारी बाटे उपस्थित बाटे यहाँ? सरकारी वाले मालूम पश्चिम में बांटे हैं, एक जन पहला ना है, है। दूसरी जने ये राज की पौधाशाला का हाल आपके दिखौली, यहाँ पे चार तीन लोग बांटे हैं। ये मालिक आका हमें बताऊंगा हमें कि तीन लोग कार्यरत बांटे हैं, मात्र दूसरी लोग राज की पौधाशाला पे कार्यरत बांटे हैं और बाकी सभी लोग नरारत बांटे हैं। यहाँ पे घास भूस करे वाली हमारी काकी चाची यहाँ आयल बांटे, 200 रुपया बेचारी मजदूरी करे ली और भी कहूबा उनसे भी जानकारी। काका राम राम। हम तो से हो गए यहाँ पे और भी हमारे भाई बात है इनसे भी राम राम भाई बात हो गई। कहाँ गए और मैं यहाँ पे मात्र ही इतने लोग हैं क्या? राजकीय पौधाशाला का आपकी हाल देखोली पूरी तरह से जंगल की तरह घास भूस पूरे ये जो नर्सरी उगावल जाता एक ही आप कहीं पौधाशाला का ये फैक्ट्री है सरकारी, लेकिन यहाँ दिखाई पूरी तरह से घास भूस से ही भरल बा। और यहाँ अब है नी काका हमार बैठल तो थोड़ा देर पहले अभी जब हम यहाँ पे एंट्री कर लिए हैं दिखावे खातिर तो यहाँ काका अभी तुरंत नर्सरी के काट के कलम करे लगना आपके बताए जहाँ सरकार के पैसा पानी की तरह लोग बहावता ओके दिखावे खातिर गांव में काबा चैनल गांव में हलल बा और गांव के जितना सरकारी प्रोजेक्ट बा सरकार के मन जो मेन प्रोजेक्ट बा ये देखी पौधाशाला बा यहाँ पे लोगन की देखोली। यहाँ पे मालिक काका से हमारे बात भाई कहना मात्र तीन लोग यहाँ कार्यरत है, एक लोग नरद मात्र दो लोग यहाँ उपस्थित है। आप देखिए इसी तरह भ्रष्टाचार के दिखावे खातिर गांव में का बा टीम हर गांव में जाई और हर पौधाशाला में जाई और भ्रष्टाचार को पोल खोल के रखी। हमारे चैनल गांव में का बा के आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करी। तब तक के लिए नमस्कार राम राम।